नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूँ रूहानी। बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा भविष्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल जो है उनके बच्चों से मिले, जिससे हिंदुस्तान का फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट हो। लेकिन कोर्ट एक ऑर्डर करता है और उस ऑर्डर में लिखा गया होता है कि आपको फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बढ़ाना है, वेकेशंस जो होती हैं उसके जो आपको फ़ीस जो है वो नहीं लेनी है। तमाम ये बातें जब कोर्ट के द्वारा की जाती हैं तो राहत की सांस जो है वो अभिभावक लेते हैं, बच्चों के माता पिता लेते हैं और कहते हैं कि ये जो कोर्ट का ऑर्डर है ये बहुत ही एक सहायता करेगा उनके जीवन में, उनका जो भी जो पैसा है वो भी बचेगा, क्योंकि कोर्ट जो है वो सबसे ऊपर होता है, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं होता है। लेकिन आज डोगरा संगठन के द्वारा एक बार फिर प्रदर्शन किया गया, पहले भी प्रदर्शन किया गया था और आज फिर प्रदर्शन किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि आपका जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और धड़ल्ले से जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के साथ मिलकर जो है फ़ी स्ट्रक्चर अभी भी इंक्रीज़ कर रहा है और लोगों को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। फिर से आप देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप मुझे बताइए ना, आप हमें आप मुझे बताओ आप क्या कहना चाहते हैं। मैम जो भी जिनके भी बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको हैरेसमेंट हो रही है, उन सब लोग मेरे साथ अंदर आके बैठ के पहले मेरी बात सुने कि हुआ क्या है, हाई कोर्ट का जजमेंट क्या आया है, हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं, हम कौन कौन से स्टेप्स उठा। भाई 20-25% फीस बढ़ी हुई किस किसने दी? बोलो। एक मिनट, मैं आप सब लोग क्योंकि मीडिया वाले, किसी ने आपको अप्रूवल दिया? नहीं दिया। स्कूल ने आपको अप्रूवल दिया? अगर आप लोग ऐसी लीडरों के हाथ में आना चाहते हैं जो लोग सिर्फ नारेबाजी करके और आपको गलत मिसलीड करके अगर अपना इंटरव्यू देके और अपनी अखबार में फोटो छुपाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज मैं अंदर बैठी हुई हूँ, आप लोग मेरे पास किसी भी समय आ सकते हैं और मुझसे आप पूछ सकते हैं क्या क्या मैंने एक्शन लिया है। स्कूलों में रेड क्यों नहीं बजी? स्कूलों में एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? मैडम आप गाने मार रहे हो, आप डायरेक्टर हो तो हमें गाने मारोगे, आप मीडिया के सामने हमें गाने मारोगे, मारो हमें मारो। मेरे पास रिकॉर्ड है कि हमने कहाँ कहाँ रेड की है। अगर आपने लीडर की बातों में आके जिसके अपने बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ रहे हैं उसकी बातों में आना आपकी मर्जी है, वरना मेरा दफ्तर खुला है, आप लोग आ सकते हैं, मैं सबको बता सकती हूँ मैंने क्या किया। आप सबने देख लिया यहाँ जो अनुराधा मैम आए एजुकेशन डायरेक्टर वो किस तरह किस बिहेव से बात कर रहे थे और जितने भी पेरेंट्स आए हैं ये सब उनसे मिलके आ चुके हैं और आप सबसे पूछ सकते हैं कितने परसेंट स्कूलों में फीस बढ़ी है। इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे स्कूलों में जाकर एक दो स्कूल में रेड करी और अपने नेट में चला दिया 200-300 स्कूल छोटे छोटे। क्या एक भी बड़े स्कूल का वहाँ पे नाम है? क्या एक भी बड़े स्कूल में वहाँ पे रेड बजी? मेट्रोलॉजी वाले वो किसी को साथ नहीं लिया। अगर आम शॉपकीपर को तंग करते हैं, दुकानदार को मेट्रोलॉजी वाले तंग करते हैं, क्यों नहीं बुक्स वालों को रेड करते हैं, स्कूल वालों को रेड करते हैं, वहाँ चेक क्यों नहीं करते हैं? हाई कोर्ट का ऑर्डर निकल चुका है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में साफ सुथरा लिखा गया है कि 2014 का जो फीस स्ट्रक्चर है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल सीबीएसई हो या कोई भी हो, जो जेके बोर्ड हो, उन सबका जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो 2014 का रहेगा। 2014 के बाद जिसने भी फीस बढ़ाई है उसको पेरेंट्स को वापिस देने पड़ेगी उस फीस और विद 9% इंटरेस्ट लगाकर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एक भी पेरेंट्स को फीस वापिस नहीं मिली और ये सारी जिम्मेवारी जो बनती थी डायरेक्टर एजुकेशन अनुराधा मैडम की बनती थी, लेकिन
आपको पता है प्राइवेट स्कूल वालों ने तो हाईकोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन किया ही किया। हमारे जो डायरेक्टर ऑफिस है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये भी ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए अपने नए ऑर्डर निकाल रहे हैं और किसी भी पेरेंट्स को फीस वापिस दिलाने के बजाय उल्टा उनसे इंक्रीज की हुई फीस ली जा रही है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है और जबरन मनमानी दामों पर बुक्स किताबें जबरन बेची जा रही है स्कूलों में, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो मैं हमारा ये प्रोटेस्ट आज पेरेंट्स जगह जगह से हर एक स्कूल से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाहर और मनुराधा मैडम को यही कहना चाहते हैं, अगर आपके ऑफिस में प्राइवेट स्कूल वालों की अटैचिया नहीं पहुंचती तो आप क्यों नहीं एक्शन लेती, क्यों नहीं ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाती हाईकोर्ट का, क्यों नहीं पेरेंट्स को फीस वापस दिलाती। तो ये सब जो है ये मिली भक्ति के कारण हो रहा है और ये एजुकेशन डायरेक्टर ऑफिस जो है ये सारा मिला हुआ है प्राइवेट स्कूल वालों से। आज कुछ पेरेंट्स जो थे प्राइवेट स्कूल से दुखी होकर आपके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो आपसे उनकी मुलाकात हुई तो क्या आश्वासन आपके द्वारा उनको दिया गया? देखिए कुछ पेरेंट्स जो इस समय हैरेस्ट फील कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट फी ली जा रही है और टेक्स्ट बुक्स जैसे वो अपनी मर्जी की प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एग्जॉर्बिटेंट रेट्स उनको चार्ज कर रहे हैं, इसके ये चीज़ ऑलरेडी डिपार्टमेंट के नोटिस में है और डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी उस पर एक्शन, हम ऑलरेडी उस पर एक्शन ले रहे हैं। जैसे हमारी टीम्स बनी हुई हैं जो अलग अलग स्कूल्स में गई हैं, उनको स्कूल्स में जाके उन्होंने पूरा वो एनालाइज किया है कि वो क्या फी स्ट्रक्चर उनको लेना चाहिए था और क्या वो ले रहे हैं, क्योंकि फी फिक्सेशन कमेटी के पास ये मैंडेट है विच इज़ हेडेड बाई रिटायर्ड जज ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो वो डिसाइड करती है फी फिक्सेशन कमेटी कि किस स्कूल का क्या फी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जिन स्कूलों ने फी फिक्सेशन कमेटी को अप्रोच नहीं किया है उनके लिए अभी रिसेंटली ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया है कि उनको 2014 का फीस स्ट्रक्चर और अगर उसके ऊपर उन्होंने कोई एनहांसमेंट की है तो 9% इंटरेस्ट के साथ वो रिफंड होगा। उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं डायरेक्शंस की और उसमें हम आगे एक एक स्कूल की हमने फीस स्ट्रक्चर उनसे मंगवाया है, जो स्कूल्स कंप्लाई नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन जो भी बनता होगा अंडर रूल्स वो हम लेंगे। दैट इज़ व्हाट आई हैव टोल्ड पेरेंट्स और उनको ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा था, हम ऑलरेडी काम कर रहे थे लेकिन अब और ज़्यादा इस उनको क्योंकि एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और बहुत सारे पेरेंट्स को ये लग रहा है कि अगर वो फ़ी दे देंगे हायर चार्जेस पे तो बाद में उनको रिफंड नहीं होगा, तो इसलिए हमने एक एक स्कूल के लिए जितने भी उन्होंने नाम हमें स्कूल्स के दिए हैं अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमने उसके लिए कमेटीज अलग से बना दी हैं, इन एडिशन टू जो हमारी टीम्स किसी भी स्कूल में रेंडमली जाएंगे उसके अलावा इन पर्टिकुलर स्कूल्स में हमारी टीम्स जाएंगी और वहाँ पे जो पर्टिकुलर कंप्लेंट विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट वो हम उनके ग्रीवेंस को रिड्रेस करेंगे। पर आपको दिखाया किस तरह से रोज था, गुस्सा था अभिभावकों में और बार बार जो था नारेबाजी यहाँ पर की गई, प्रदर्शन किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि आखिरकार न्यायालय का जो ऑर्डर है वो माना क्यों नहीं जा रहा है, आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि कोर्ट से ऊपर आप किसको समझ रहे हैं। तो ही आपको बताने की कोशिश की कि अभी तक जो है कुछ स्कूल जो है वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे जिससे आहत है माता पिता बच्चों के और चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्यायालय की जो बात है वो मानी जाए। जम्मू से रूहानी की रिपोर्ट।